हेलो यूट्यूब फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पार्थ लखनावाला की दुनिया। फुल वॉच के साथ में वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाजू में जो बेल आइकन है आप ऑल पे क्लिक करोगे तभी आप सभी लोग को मेरा नया नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ नया बात में लेके आया हूँ। आई होप आप सभी लोग को मेरी नई बातें बहुत ही पसंद आएगी। फिर बाद में ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, वो ब्लॉग क्या है, तो आइए नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कल रात को 12 बजे कृष्णा भगवान का जन्म होने वाला है। 11 बजे जितने भी मंदिर के द्वार है सभी बंद हो जाएंगे। 12 बजते ही मंदिर के द्वार सभी खुल जाएंगे और कृष्ण भगवान की जो मूर्तियां हैं दूध दही से अभिषेक किया जाएगा और कृष्ण भगवान जी को कपड़े भी पहनाए जाएंगे नए, और शंख की ध्वनि के द्वारा मंदिर भी गूंज उठेगा। एक बहुत अच्छी सी मैं बात में बोलना चाहता हूं कि जितने भी 56 भोग के प्रसाद जो रहता है कृष्ण भगवान को अर्पित करते हैं, तो ये प्रसाद में तुलसी के पत्ता रखना बहुत ही जरूरी है। अगर ये तुलसी का पत्ता नहीं रखते हैं तो फिर में भगवान प्रसाद अर्पण नहीं करते हैं। तो ऐसे ही कुछ मेरी मम्मी आज कुछ नई बात लेके आई है कृष्ण भगवान जी के बारे में, तो आइए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। नमस्कार। दुनिया में ऐसा ही कोई आदमी होगा जिसने कृष्ण का नाम नहीं सुना होगा, तो कृष्ण जन्म का महत्व और कृष्ण भगवान की अच्छी बातें जानते हैं। साल 2022 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 18 अगस्त को गुरुवार को मनाया जाएगा। इसे शक्ति का महापर्व भी कहते हैं। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर ये चीजें किसी को ना दें, फल फूल सामग्री भगवान के कपड़े किसी को भी ना दें, उधार ना दें, कृष्ण से जुड़ी हुई उनके गहने मोर पंख किसी को भी ना दें। ऐसा माना जाता है कि ये सब चीज़ें किसी को देते हैं तो भगवान उनके घर पे चले जाते हैं और हमारे घर की समृद्धि चली जाती है। अष्टमी को धन प्राप्ति का दिन भी कहा जाता है। धन उधार नहीं देना चाहिए और लेना भी नहीं चाहिए। अष्टमी के दिन भगवान को पंचामृत से स्नान कराने का और तुलसी अर्पित करने का महाविशेष दिन माना जाता है। किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो घड़ी किसी से लेनी भी नहीं चाहिए और देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा अच्छा समय है तो किसी के पास चला जाता है और किसी का बुरा समय चलता है तो वो हमारे पास आ जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर किसी को कुछ भी लेना या देना नहीं चाहिए। अष्टमी के दिन फटे कपड़े और काले और सफेद कपड़े किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि किसी को देते हैं तो हम अच्छे कपड़े ही देंगे, क्योंकि बुरे कपड़े फटे हुए कपड़े किसी को हम जो पहनते नहीं है वो किसी को क्यों दे। अष्टमी को अपने घर का झूला किसी को भी मत दीजिए। तुलसी का पत्ता और पौधा भी किसी को भूल कर भी मत दीजिए।
दान पुण्य कर सकते हैं। जन्माष्टमी का दिन ये पर्व बहुत बड़ा है, इसके लिए दान पुण्य करना चाहिए। अष्टमी के दिन बासी रोटी किसी को भी नहीं देनी चाहिए, किसी को नहीं खिलाइए, ताजी रोटी ही दीजिए। सुहागन के सिंगार की चीजें भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। अष्टमी के दिन मोर पंख नहीं देना चाहिए, क्योंकि अपने घर की समृद्धि दूसरों के घर में चली जाती है। भगवान को मोर पंख जन्माष्टमी के दिन जरूर अर्पण कीजिए, क्योंकि इससे कृष्ण भगवान खुश हो जाते हैं। और हो सके तो मोर पंख घर में भी लाइए, और हमेशा मोर पंख घर में रखने से घर की सुख समृद्धि बढ़ती है। अष्टमी के दिन नमक का दान हर हाल में करना चाहिए, और अंदर नमक में थोड़ी दक्षिणा भी रख दीजिए तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और चावल का दान भी कर सकते हैं, शुभ माना जाता है। तो ये था जन्माष्टमी का महत्व। सब लोग जन्माष्टमी खुशी से मनाइए, प्रसाद बनाइए, लोगों को खिलाइए। सो यूट्यूब फ्रेंड्स, आप सभी लोग को ये मेरा नया ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, न्यू ब्लॉग पे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और भी नए नए ब्लॉग अपलोड होना बाकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, जाते जाते एक छोटी सी मैं बात में बोलना चाहता हूँ, ये वीडियो को फुल वॉच के साथ में जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।